से नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, या वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है। कुछ लोगों का विचारधारा है कि मंदिर मस्जिद का नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे। हम ऐसे विचारधारा के साथ नहीं रहेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे, अपने दल अपने नेता के साथ रहेंगे। जो हमारा बात को सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारा नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। कुछ लोगों को भ्रम है क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि वो पैसा है तो पैसा का उपयोग करके बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक को खरीद लेता है, वोट को खरीद लेता है। तो इसलिए हमने इस बार ऐसा किया है तो वो लोग गुनहगार है जो हमें आरक्षण नहीं दिया, जो खास करके जो आज दिल्ली सरकार में है वो गुनहगार है कि हमारा अधिकार आज हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है और हमें आरक्षण नहीं दिया। सामान्य वर्ग के भाई को आरक्षण मिला, उच्च जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला, तो हमें उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो गरीब है तो उसको आपने 8 लाख कमाने वाले को आप आरक्षण दिए, लेकिन आप यहाँ देखिए ना कि निषाद का बेटा 1 लाख भी नहीं कमा पाता है, आप उनको आरक्षण नहीं दे रहे। हम लोग गरीब लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं, अगर अपने लिए अगर बात करते तो हमें योगी जी से मोदी जी से नहीं लड़ते, मेरे विधायक को नहीं खरीदा जाता, मुझे सरकार से बाहर नहीं किया जाता। 30 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है, आज तकरीबन 52 दिन हो गया है। यूपी बिहार झारखंड सभी राज्य में हम लोग जा रहे हैं और उसी क्रम में आज सिवान जिला आए हैं, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके निषाद को आरक्षण मिले इसके लिए लड़ाई है। हमारी नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, या वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है। इसी के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस क्रम में आज आपने देखा कि किस तरीके से सिवान में बड़े संख्या में माता बहन पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे और एक सुर में सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया, अपने पूर्वज को साक्षी मान के, अपने इष्ट देवता को साक्षी मान के, कि अपने हक अधिकार के लिए अपने दल अपने नेता अपने पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे, हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपना एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, खास करके वंचित समाज जो गरीब पिछड़ा समाज है उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी विचारधारा है कि हम स्कूल बनाएं, हम हॉस्पिटल बनाएं। कुछ लोगों का विचारधारा है कि मंदिर मस्जिद का नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे, हम ऐसे विचारधारा के साथ नहीं रहेंगे। हम ऐसे विचारधारा के साथ रहेंगे जो बच्चे को नौकरी दे, ना ही कि गुलाम बना के रखा जाए। इस सब चीज़ को लेके पार्टी के सभी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष वगैरह सब जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोगों ने संकल्प लिया है और आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में हर निषाद का बेटा आज संकल्प ले रहा है, गाँव में हाथ में गंगा जल लग के हम किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे, अपने दल अपने नेता के साथ रहेंगे। जो हमारा बात को सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारा नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनके बारे में फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसका फिक्र नहीं करेंगे। हम अपने दल अपने नेता के साथ रहेंगे, पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। तो इसलिए आज अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खास करके कुछ लोगों को भ्रम है क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि वो पैसा है तो पैसा का उपयोग करके बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक को खरीद लेता है, वोट को खरीद लेता है। तो इसलिए हमने इस बार ऐसा किया है क्योंकि माता गंगा के आशीर्वाद से हमने सभी को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करवाया है कि आप तो अपना एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चे को पढ़ाइएगा, हर हाल में अपने बच्चे के अधिकार के लिए अपना वोट को नहीं बेचिएगा, अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए उपयोग कीजिएगा। और सभी माता बहन ने बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर सभी लोगों ने संकल्प लिया है। सर आरक्षण की मांग आप किससे कर रहे हैं? केंद्र सरकार से करेंगे। देखिए केंद्र में जिनकी सरकार है उन्हीं से हम करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में हमें आरक्षण मिला है, बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला है। आप बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, अलग अलग कानून कैसे, जबकि बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। आज राज्य में बंटवारा होने से, एक लाइन गिरने से थोड़े वहाँ का निषाद अलग हो जाए, यहाँ का निषाद अलग हो जाए। हाँ, अगर दूसरा देश हो जाता तब हम मानते हैं कि उस देश का कानून अलग है, हमारे देश का कानून अलग है। जब देश एक ही है तो एक ही कानून से हमें चलना है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज को आरक्षण मिल जाता। आज यूपी बिहार झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमारे समाज में भी जैसे लालू प्रसाद जी ने अपने वर्ग के लिए सभी समाज के लिए लड़ाई लड़ा, काश अगर निषाद समाज के लिए भी लड़ाई लड़ते तो आज आरक्षण मिल गया होता, आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, SP होता, SDO होता, BDO होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज हमारे बच्चे मजबूर है, ठंड का समय होगा, जनवरी फरवरी का दिसंबर का समय आएगा, उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते, रजाई से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमारे परिवार के लोग निषाद समाज के लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकल के तालाब में उतरते, मछली मारते और फिर बाजार में बेचता, तब उनके घर पे चूल्हा जलता है। अभी इसी देश में आप देखिए कि जाति के आधार पर अमीरी गरीबी है कि नहीं है, और जब जाति के नाम पर धर्म नाम पर अगर गरीबी अमीरी है तो निश्चित तौर पर जो लोग हजारों साल से वंचित है उसके हक अधिकार के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आज निषाद समाज हजारों साल से वंचित है तो हमारे आरक्षण
आरक्षण जब बंगाल में है तो बिहार में लागू होना चाहिए, तो वो लोग गुनहगार है जो हमें आरक्षण नहीं दिया, जो खास करके जो आज दिल्ली सरकार में है वो गुनहगार है कि हमारा अधिकार आज हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है और हमें आरक्षण नहीं दिया। अभी आपने देखा कि सामान्य वर्ग के भाई को आरक्षण मिला, उच्च जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला, तो हमें उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा कि वो गरीब है तो उसको आपने 8 लाख कमाने वाले को आप आरक्षण दिए, लेकिन आप यहाँ देखिए ना कि निषाद का बेटा 1 लाख भी नहीं कमा पाता है, आप उनको आरक्षण नहीं दे रहे लेकिन आप उनको दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हैं, खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे हजारों साल से वंचित है उसके लिए नहीं सोच रहे, तो इसके लिए हमारी लड़ाई है केंद्र सरकार से, अभी कहीं पर नहीं है, हम अपने समाज के साथ अभी हैं और आने वाले समय में जो हमारी सुनेगा हम उनके यहाँ सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम ऐसे लोगों को नहीं सुनेंगे, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जो है वो अपने कार्यक्रम में गाड़ियाँ भर भर के कार्यकर्ता ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शहर से दूर होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पहुँचे। निश्चित तौर पर आप यहाँ पे अपने संसाधन से अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 रुपया का हम लोग खर्चा नहीं करते, लोग अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं, लोग आते हैं और हम लोग गरीब लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं, अगर अपने लिए अगर बात करते तो हमें योगी जी से मोदी जी से नहीं लड़ते, मेरे विधायक को नहीं खरीदा जाता, मुझे सरकार से बाहर नहीं किया जाता, निश्चित तौर पर आज कहीं ना कहीं हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए जनता हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।